नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता फ्रॉम संध्या मेडिसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आज मैं आपसे साझा करना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस पेशेंट ऑफ पैरालिसिस विद इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इन एक ऐसा मरीज जिसको लकवा हो गया, कमर में दर्द था और पेशाब की नलकी लगने की वजह से इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब की सेंसेशन ही ख़त्म हो गई थी। ये बुज़ुर्ग 80 साल के हैं और करीबन 4 से 5 एलोपैथिक अस्पताल में दिखा चुके हैं। कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था। जब हमारे पास अस्पताल में आए तो करीबन 4 लोग इनको उठा के लाए थे, फिर हमने व्हीलचेयर में बैठाया, अस्पताल के अंदर लाए, एग्ज़ामिन किया। शुगर की कोई हिस्ट्री नहीं है, बीपी की कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ऑन एंड ऑफ इनको घबराहट होना, पेशाब की नलकी बराबर चेंज करना, इन्फेक्शन होना, कमर से नीचे के हिस्से में पूरा सूनापन, चलने में क्षमता ना होना, कमज़ोरी होना, स्वयं उठ बैठ नहीं पाते थे। ऐसे मरीज़ जिनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी है, ऐसे मरीज़ों के लिए आयुर्वेद के अंदर जो चिकित्सा है, जियाटिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेद के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है, उन चिकित्सा सूत्रों से हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, जिनका हम कह सकते हैं जिनको हमने बिस्तर पर लिटा दिया, लाइलाज मान लिया, उनका एक संभव उपचार संध्या ग्रुप लेके आया है स्वस्थ भारत मिशन के नाम से, जहां हम अपने बुज़ुर्गों का उत्तम उपचार कर सकते हैं और फिर से उनके अंदर वो सुफुर्ती प्रदान कर सकते हैं कि वो स्वयं अपने पैरों पर चल सकें और अपना काम स्वयं कर सकें। ऐसे बुज़ुर्ग जिन लोगों को ऐसी तकलीफ हो जाती है, वह लगभग क्या मानते हैं कि उनका जीवन निरर्थक हो गया है, अब उनका जाने का समय आ गया है। वह स्वयं और उनका पूरा परिवार प्रभु से यही विनती करता है, या तो हमें हमारे पैरों पर चला दे या उठा ले। तो प्रभु ने हमें सद्बुद्धि दी, संध्या ग्रुप को ये क्षमता दी, हमने कुछ उपचार, कुछ दवाइयाँ, कुछ मेथड ऐसे डेवलप किए हैं जिनके द्वारा अब हम अपने मरीजों का एक उत्तम उपचार कर सकते हैं। इस उपचार के अंदर हमने पंचकर्म को एक मूलभूत स्थान दिया है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, मर्मा, कटिबस्थि, हृदयबस्थि और वैतरण बस्ती को हमने एक स्थान दिया है। इसके अलावा कुछ द्रव्य हैं जो हमारे डॉक्टरों ने अपने शोध से विकसित किए हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ हैं जिनको हिमालय की कंदराओं से निकाल कर हमने कंपाइल करके तैयार किया है, जिन द्रव्यों को लेने से और इन पंचकर्म चिकित्सा को लेने से आपके बुज़ुर्ग जिन्होंने खाट पकड़ ली है या जो बिस्तर को लेट चुके हैं, वह अब दोबारा अपने पैरों पे चल पाएंगे। जिन पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उनका लाइव वीडियो आप देख रहे हैं। ये जब हमारे पास आए थे तो ये चल नहीं पाते थे, कमर में इनके बहुत दर्द रहता था और नीचे का हिस्सा पूर्णतः कार्य नहीं करता था। अगर लकवे की बात करें तो मॉडर्न साइंस में लकवे दो प्रकार के कहे गए हैं जो लगभग हम लोग जानते हैं, बट उसके अलावा भी प्रकार हैं। हमने लकवों को क्या प्रकार दिया, दिमाग के अंदर या तो ब्लीडिंग हो जाए या क्लॉट जम जाए, उसके अलावा हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया एंड क्वाड्रीप्लेजिया भी पैरालिसिस के कुछ टाइप्स हैं। इस मरीज को जो हुआ था वह कमर से नीचे के हिस्से को कार्यशैली खत्म हो गई थी, ब्रेन के अंदर एक्टिविटी वीक हो गई थी, जिसको सेरिब्रल एट्रोफी हम कहते हैं, सेरिब्रल एट्रोफी डेवलप हो गई, स्पाइन के अंदर L4, L5, S1 के अंदर चेंजेस थे, पेशाब की नलकी लगी हुई थी, UTI था और पसल्स थे। हमने इस उपचार के द्वारा जो मैंने आपको बताया है, आज ये बुज़ुर्ग हमारे पास चल रहे हैं, घबराहट कम है, अपने आप सहारे से चल लेते हैं, अपने वॉशरूम जाने में अब सक्षम हो गए हैं और इनकी भोजन की प्रक्रिया भी अब पहले से बेटर हो गई है। पहले बहुत कम भोजन ये ग्रहण करते थे, अब पूर्णतः इनको भोजन ग्रहण करने की इच्छा शक्ति जागृत हो गई है। हमारे संस्थान के नंबर नीचे दिए जा रहे हैं, इन नंबरों को नोट करें और अपने बुज़ुर्गों को उपचार के लिए संपर्क करें नीचे दिए हुए नंबरों पर। अब मैं आपसे आगे चाहूँगा, धन्यवाद।